तो अपनी जो क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसका जो भाग 3 है वो आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में अपन देखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि, और साथ ही साथ देखेंगे हेलो एरीन बनाने की विधि। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे हेलो एल्केन बनाने की विधि, ठीक है। हेलो एल्केन बनाने की अपन यहाँ पे 5 विधि देखेंगे। पहली विधि देखेंगे हम एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, दूसरी विधि हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं, थर्ड हम देखेंगे कि हैलाइड विनिमय मतलब हैलाइड एक्सचेंज से हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, और फोर्थ देखेंगे होसडिकर विधि, ठीक है। तो ये विधि हमको चारों देखना है, ठीक है। तो इन विधियों को बहुत ही हमको शॉर्ट में देखना है, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम तैयारी कर रहे हैं कि हम जो हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड की जो एग्ज़ाम में हमको लिखना है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे अपन ये पढ़ेंगे कि जो एल्कोहल के OH समूह है, इसका विस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, हैलोजन के द्वारा। सीधी सी बात है कि ये क्या है, हमारा एक एल्कोहल है, ठीक है, ये एल्किल समूह है, इसमें हाइड्रोक्सिल OH समूह जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं एल्केन। यदि इसका हम क्या करेंगे, किसी हैलोजन अम्ल से यदि क्रिया कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक H2O, और यहाँ पर जो Cl है वो इस एल्किल समूह से जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा अपना, एक एल्किल हैलाइड। अर्थात OH समूह का विस्थापन किसके द्वारा हो गया, Cl समूह के द्वारा। तो हमको क्या मिलते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन मिलते हैं, ठीक। तो देखो, जो पहली विधि पढ़ रहे हैं अपन एल्कोहल से, तो क्या करेंगे हम एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, एल्कोहल पर हम क्या करेंगे, हैलोजन अम्ल की क्रिया करेंगे, तो उससे हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। देखिए कैसे, कि इस अभिक्रिया में करेंगे हम जो जिंक क्लोराइड है, ठीक है, निर्जल जिंक क्लोराइड, या फिर सांद्र कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, एल्कोहल क्या करते हैं, हैलोजन अम्ल से क्रिया कर लेते हैं। एल्कोहल हैलोजन अम्ल से क्रिया करके हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाते हैं, देखिए कैसे। तो चलिए देखो इसमें क्या होती है, कैसी रिएक्शन होती है, कि हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं कोई एल्कोहल, ठीक है। इस एल्कोहल की हम अभिक्रिया हम रिएक्शन के अनुसार किससे करते हैं, कोई हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल यहाँ पे बहुत सब प्रकार के हो सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो ब्रोमिक अम्ल, या फिर हाइड्रो, ठीक है, आयोडाइक अम्ल, ठीक है, HI, ये भी हो सकती हैं। तो हम अभी इस फिलहाल क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो बहुत आसान रिएक्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है, जल के अणु क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, और हमको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, RCl। ये RCl क्या है हमारा, यही क्या है हमारा, हेलो एल्केन है, ठीक है, हेलो एल्केन है, ये क्या है हमारा, एल्किल हैलाइड है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है तो हम इसको एल्किल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि हम R की जगह कोई एल्किल समूह ले लें, जैसे हम ले लें C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल ले लें, एथिल एल्कोहल ले लें, एथिल एल्कोहल की रिएक्शन यदि हम HCl से करा दें, ठीक है, तो ये किसकी उपस्थिति में होगी, यहाँ पे निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम अभिक्रिया होगी, यहाँ पे H2 यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, और हमको बन जाएगा एथिल क्लोराइड, ठीक है। यदि बात करें हम एथिल एल्कोहल की क्रिया करें HBr से, तो ये होगी सांद्र H2SO4 की प्रेजेंट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पश्चवाहन करते हैं। तो देखो यहाँ पे पश्चवाहन कोई ज़्यादा कोई ऐसा शब्द है, इसमें क्या करते हैं, किसी लिक्विड को हम किसी एक टेम्परेचर बॉय में गर्म करते हैं, और जब वो गर्म हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको एक संघनित्र जिसमें उसको ठंडा करके उस भाप को एकत्रित कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम पश्चवाहन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया कराते हैं, उसका नाम है पश्चवाहन, ठीक है। बस आपको याद रखना है, सेम एज ये होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा H2O, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। सेकेंड, अभी क्या देखो, एल्कोहल पर जब हम क्या करें, फॉस्फोरस अम्लों के साथ क्रिया करें, तब भी क्या होते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनते हैं, ठीक है, देखिए कैसे, ठीक
ठीक है। जब एल्कोहल क्या करेंगे हम, एल्कोहल की फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, फास्फोरिक अम्ल हैं, जब इनसे क्रिया करेंगे तो हमारे क्या बनते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं, ठीक है। देखिए एक आईएमपी रिएक्शन है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। होता क्या है कि मान लो हम क्या करें, यहाँ पे कोई एल्कोहल लें, ठीक है, तो एल्कोहल की ये अभिक्रिया अपन क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करेंगे एक बार, ठीक है। सेम एज यदि कोई हम एल्कोहल लें और एल्कोहल की क्रिया हम करेंगे फास्फोरस ट्राईक्लोराइड से, ठीक है, तो दोनों में क्या बनता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोरीन वाला है तो यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनेगा, सेम एज यहाँ पे भी क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे इसके सब उत्पाद या बाय प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग बनेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पे जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, ये दो भाग में टूट जाता है अभिक्रिया के टाइम, ये टूट जाता है पी सी एल थ्री और सी एल टू में, ठीक है। तो जो उसका क्लोराइड है ये बाहर निकले हैं, तो जिस सी एल टू क्या होता है, इसमें से एक सी एल टू इसको मिलता है तो ये बन जाता है, ठीक है, और एक सी एल मिलता है इसके साथ तो क्या बन जाता है, एक एच सी एल भी बन जाता है। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन अकेला बचा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस पी सी एल थ्री के साथ जुड़ के बना लेता है, यहाँ पे क्या बना लेता है, पी ओ सी एल थ्री, ठीक है, ये अभिक्रिया हो गई। देखो जो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड है, जब इस अभिक्रिया को देखेंगे अपन सेकेंड की, तो ये क्या होता है, किसी भी भाग में नहीं टूटता है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, तीनों क्लोरीन क्या हो जाते हैं, अपने बंध बना के टूट के अलग हो जाते हैं और ये आर से अभिक्रिया करते हैं, चूँकि यहाँ पे जो एल्किल समूह है एक है, इसलिए हम इस अभिक्रिया के सामने लिख देते हैं तीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, तीन, ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बन गया है, अब चूंकि ये अपन ने लिखे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह भी तीन होंगे, तो ये जो तीनों हाइड्रोक्सिल समूह हैं वो क्या करेंगे, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे और बना लेंगे एच थ्री, हाइड्रोजन भी तीन है यहाँ पे, ठीक है, फास्फोरस सिर्फ एक ही है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी तीन है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। क्या है, आपको पता होगा ये फास्फोरस अम्ल क्या बन जाएगा, फास्फोरस अम्ल। अगली अभिक्रिया है कि एल्कोहल पर हम क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे। देखो अगली अभिक्रिया क्या है कि जब हम एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, ठीक है, कि जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये पिरिडीन है, इसका सूत्र होता है मैं बता दे रहा हूँ, C5H5N, ठीक है, ये क्या करता है, विलायक का काम करता है, ठीक है, एक बहुत अच्छा विलायक है ये, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का विलयन बनाएंगे, ठीक है, इस विलायक। तो क्या करते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है, एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, एल्कोहल की क्रिया करते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से, और यहाँ पे हम किसकी उपस्थिति में करते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपको तो पता है कि यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड बन नहीं है, ठीक है, तो ये जो यहाँ से एक Cl है वो टूटता है और इस R के साथ जाके जुड़ता है, यहीं का एक Cl टूटता है और इस H के साथ भी जाके जुड़ता है, तो क्या बना लेगा, साथ में HCl भी बना लेगा, ठीक है। रही बात यहाँ पे जो ऑक्सीजन बचता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ SO के साथ जाके जुड़ क्या बना लेता है, SO2, क्या बना लेता है, SO2, ठीक है, ये वाला आपस में जुड़ जाएंगे तो SO2 बन जाएगा, तो ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है। तो जो ये जो अभिक्रिया है ना, ये क्या होता है, एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्योर हमको एल्किल हैलाइड देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट के जो सब उत्पाद बन रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, HCl और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है, गैसी पदार्थ हैं, ये गैस के रूप में क्या हो जाते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी विधि है, ठीक है। तो जो सेकंड विधि है हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हम हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए
यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मैथेन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन हाइड्रोकार्बनों का यूज़ करके क्या बनाना है, हमको एल्किल हैलाइड बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे, मुक्त मूलक अभिक्रिया मतलब हैलोजनीकरण करेंगे अपन और बन जाएंगे। ठीक है, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा क्या करेंगे, एल्केन पर, ठीक है, सूर्य के मंद प्रकाश, ठीक है, किस पर, एल्केन पर, ठीक है, सूर्य के मंद प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, हैलोजन से क्रिया करेंगे तो हैलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, अब हैलोजन क्या होते हैं आपको पता है, हैलोजन, हैलोजन से क्रिया करेंगे अर्थात यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हमारे हैलोजन हैं। देखिए होता क्या है, मान लो हमने यहाँ पे मीथेन ले लिए CH4, ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखो जो एक एल्केन हो गया, एल्केन पर क्या करेंगे हम, किसकी क्रिया करेंगे, हैलोजन से। जैसे मान लो हमने यहाँ पे हैलोजन ले लिए, ठीक है, क्लोरीन, अब इसकी हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, इसको सनलाइट बोलते हैं, ठीक है, जब इसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो देखो क्या होगा, ये अभिक्रिया क्या होती है, मान लो ये CH3H, ये CH4 है, हम CH4 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और यहाँ पे Cl2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, अपने मुक्त मूलकों में मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके टूट जाते हैं, यहाँ का जो बंध है वो यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, दो मुक्त मूलक बन जाते हैं क्लोरीन के। अब यहाँ पे यदि इस मुक्त मूलक की अभिक्रिया, ठीक है, इस मीथेन से होगी तो यहाँ पर भी सेम अभिक्रिया होगी, मुक्त मूलक की अभिक्रिया से मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मुक्त मूलक बन जाएगा और मेथिल का एक मुक्त मूलक बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपस में जुड़ जाएंगे तो HCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ पे HCl बन जाएगा और यहाँ पे जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है, इस मैथिल मुक्त मूलक से जुड़ के क्या बना लेगा, CH3Cl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl। तो आपने अभिक्रिया में देखा कि एक HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मैथिल क्लोराइड बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हैलोजन है इसकी एबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये हमेशा उपस्थित रहेगा, तो यह अभिक्रिया यहाँ पे नहीं रुकेगी। ठीक है, यह अभिक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, जब इसको Cl2 मिलेगा और जब सूर्य की प्रकाश मिलेगा तो यह अभिक्रिया फिर से आगे हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक और HCl बाहर निकल जाएगा। जब एक और HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचेंगे, दो, CH2Cl2 बन जाएगा, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, यह अभिक्रिया इस प्रकार ही आगे चलते जाएगी क्योंकि यहाँ पे हैलोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध है और सूर्य का प्रकाश भी उपलब्ध है। फिर से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा मुक्त मूलक के द्वारा और यहाँ पे बन जाएगा CHCl3। ठीक है, और यहाँ पे एक HCl-HCl फिर से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरोफॉर्म, जिसके बारे में हमको बहुत IMP रिएक्शन देखना है क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, आगे रिएक्शन होगी फिर से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक HCl बचा है वो भी निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये बहुत ही अच्छा एक विलायक है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये एल्किल हैलाइड बनाने की बहुत अच्छी विधि नहीं है। मान लो अपने को ये एल्किल हैलाइड चाहिए था, ठीक है, तो एल्किल हैलाइड पर ये रिएक्शन रुकेगा ही नहीं। ठीक है, ये आगे रिएक्शन बढ़ जाएगी और बहुत सारे हमको क्या बन जाएंगे, हैलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होगा, जैसे अपना अभिक्रिया में लिखे हैं, हैलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होगा। अगली अभिक्रिया देखते हैं कि क्या करेंगे हम, एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करते हैं तब भी एल्किल हैलाइड हमको देखने को मिलते हैं। देखिए कैसे, मान लो ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्रिया की है किसकी, HBr की, एक हैलोजन अम्ल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है क्योंकि यहाँ पे जो पाई बंद है ना ये बहुत ही वीक रूप से जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये टूट जाता है, जब ये टूट जाएगा तो ये पाईबंद किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस कार्बन पे ये शिफ्ट होगा वहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा और जहाँ से ये टूट के जाएगा वहाँ पे कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ जाएगा धनावेश। ठीक है, सेम ये क्या हो जाएगा, HBr भी टूट जाएगा, ब्रोमीन में क्या जाएगा, ऋणावेश, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा और ये जो माइनस वाला है ये इसके साथ जुड़ जाएगा विपरीत आवेश के कारण, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Br, और ये बन जाएगा
CH3। देखो ये यदि सममित हमारे पास एल्कीन है तो यह अभिक्रिया होगी। यदि मान लो हमारे पास कोई असममित एल्कीन रहता, जैसे कि मान लो हमारे पास ये रहता CH3 CH, ठीक है, CH2, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया होती यदि HBr से, ठीक है, तब हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के हमको कंपाउंड देखने को मिलते हैं। यदि मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि पाई बंद यदि यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो माइनस आवेश यहाँ पे आएगा अर्थात हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, और जो ब्रोमीन है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पे। तो एक कंपाउंड यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CH Br और यहाँ पे CH3, ठीक है। सेकेंड अभिक्रिया मान लो ये जो पाई बंद है यहाँ पे गया तो इस कार्बन पे माइनस आवेश आएगा और यहाँ पे प्लस आवेश आएगा, अर्थात अब जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ेगा और जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद है ये वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला कम मात्रा में बनेगा, ठीक है, और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप देखो यहाँ पे कि यदि यहाँ पे ये वाली अभिक्रिया हो रही है अर्थात यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ रहा है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये वाला जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये प्राथमिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। और जबकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री, फिर उससे होता है 2 डिग्री और फिर उससे कम होता है 1 डिग्री, अर्थात यहाँ पे तृतीयक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थाई होते हैं, फिर द्वितीयक और फिर प्राइमरी, ठीक है। लेकिन यदि हम इससे पहले वाला केस देखें, पाईबंद यहाँ पे जा रहे थे, इस केस में देखो यदि पाईबंद यहाँ पे जा रहे थे तो ऋणावेश यहाँ पे आ रहा था और धनावेश यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे धनावेश आने के कारण जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे जुड़ रहा था, यहाँ पर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो द्वितीय कार्बोकेटाइन बनता है या जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, अर्थात यहाँ पे ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। अगली अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है, या अपन हैलाइड के विनिमय से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, RX हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो यह क्या कहा है, जो अभिक्रिया है मुख्य रूप से एल्किल हाइड्राइड बनाने की विधि, ठीक है, इसमें एल्किल हाइड्राइड बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में। तो क्या होता है, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक है, एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया होती है तो हमको क्या मिलता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए क्या करें हम, यहाँ पे मान लो एल्किल क्लोराइड ले लें, जैसे यहाँ पे लिखा है एल्किल क्लोराइड, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करें हम सोडियम आयोडाइड से, ठीक है, किसकी उपस्थिति में लिखा है यहाँ पे, एसीटोन की, यहाँ पे एसीटोन की उपस्थिति ले लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे जो आयनिक पदार्थ यहाँ पे बना है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, उससे ज़्यादा जो स्टेबल है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा धनायन है और ये भी छोटा ऋणायन है तो ज़्यादा स्टेबल बन रहेगा और यहाँ पे बन जाएगा NaCl, और यहाँ पे जो आयोडीन है वो इसके साथ जाके जुड़ेगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। इसलिए बोला गया था कि एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है, ठीक है, ये हो जाएगा। सेम ब्रोमीन के साथ भी होगा, यदि मान लो यहाँ पे ब्रोमीन रहता तो ये एच क्या बना लेता है, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बन जाता, ठीक है, और एल्किल आयोडाइड यहाँ पर फिर से देखने को मिलता। देखो अगली अभिक्रिया उस डीकर विधि, ये IMP रिएक्शन है, एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या होता है कि जो वसी अम्ल के सिल्वर लबड़ लें, ठीक है, वसी अम्ल का सिल्वर लबड़ कौन सा होगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिए C2H5COOH, ये क्या है हमारा अम्ल है। यदि यहाँ पे इसका जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर क्या करेंगे हम, यहाँ पे यदि ये जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये बन गया सिल्वर प्रोपियोनेट, ठीक है, ये वसी अम्ल के जो सिल्वर लवण है वो ले लिए कि हम क्या करें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में बने विलयन पर, ठीक है, यदि इसका जो विलयन है वो किस में बना रहा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है
और इस पर हम क्या करें क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करें, ठीक है, तब भी हमको क्या मिलेंगे एल्किल हैलाइड देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगी रिएक्शन, यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो रिएक्शन करेगा इस सिल्वर के साथ, तो क्या बने लेगा सबसे पहले यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। जैसे यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ये अलग हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अलग हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे CO2 भी अलग हो गया, ठीक है, और बचा हुआ जो ब्रोमीन का पार्ट है वो इस C2H5 के साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमका हमारा क्या है एथिल ब्रोमाइड बन गया, और साथ ही साथ दो उत्पाद और मिल गए हमको सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड है ये हम छान के अलग कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ये अलग हो जाएगी, अर्थात ये भी क्या है एक बहुत अच्छी विधि है हमारी एल्किल आयोडाइड बनाने की। अब पढ़ते हैं क्या है हेलोजनीकरण बनाने की विधि, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे हेलोजनीकरण द्वारा, ठीक है, हेलोजनेशन द्वारा, जैसे अभी अपन ने देखे थे हेलो एल्केन में, ठीक है, ये IMP रिएक्शन है, सैंडमेयर अभिक्रिया, ये भी देखेंगे। होंस डीकर विधि अपन ने देख चुके हैं, एक बार और देखेंगे, ठीक है। फिर फिनॉल से, जैसे जैसे वहाँ पे अल्कोहल से बनाए थे ना अपन ने, वैसे यहाँ पे अपन फिनॉल से बनाएंगे ऐसी विधि। ये बेसिकली क्या है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है, क्लोरोबेंजीन व्यापारिक स्तर पर बनाई जाती है, ठीक है, उसकी विधि है ये। क्या है हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण मतलब होता है हैलोजन का जोड़ना, हैलोजन मतलब, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को अपन क्या करें किसी हाइड्रोकार्बन से जोड़ दें तो उसको बोलते हैं हैलोजनीकरण, ठीक है। तो क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब लें अपन कि क्या करें निम्न ताप एवं उत्प्रेरक, प्रेरक यहाँ पे आयरन या फिर फेरिक क्लोराइड कुछ भी हो सकता है, की उपस्थिति में जब हम क्या करें कोई हैलोजन लें जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करके हेलोएरिन बनाते। देखिए इस रिएक्शन में कहा क्या गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें सबसे पहले, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे ये हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दें, ठीक है, निम्न ताप और उत्प्रेरक मतलब किससे करा दें हैलोजन से। मान लो हमने इसकी अभिक्रिया करा दी क्लोरीन से, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे लिखी है क्या निम्न ताप और उत्प्रेरक ले लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, ये करा दें। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोरीन है यहाँ पे जाके जुड़ता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जाके जुड़ता है, क्या होता है ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ पे हमको मिलता है क्लोरोबेंजीन और HCl। यदि मान लो हम क्या करें यहाँ पे सपोज यहाँ पे बेंजीन लें 1 मोल, ठीक है, और यदि 2 मोल हम ले लें क्लोरीन के और सेम अभिक्रिया अपनाएं हम उत्प्रेरक ले लें यहाँ पे आयरन, ठीक है, और यहाँ पे कम ताप लें निम्न ताप, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है एक बार आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिलता है, ठीक है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और एक बार मिलता है, ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये इन दोनों का हमको मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखो अगली IMP अभिक्रिया पढ़ते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया IMP है, ठीक है, जब क्या करें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लें, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है ये, ठीक है, ये लें हम, यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पे, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्या करें हम या तो कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, और HCl लें, या तो फिर क्या करें सेकंड में हम क्या करें CuBr और HBr, ठीक है, यदि ये लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन हमको बनेंगे, ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको क्लोरोबेंजीन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पे N2 अलग हो जाएगा,
सेम एज यहाँ पे हमको मिल जाएगी क्या, ब्रोमो बेंजीन, और यहाँ पे नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। देखो इसकी अभिक्रिया बहुत आसान है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो यहाँ जाके जुड़ता है, CuCl2 बनता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे ये बनता है नाइट्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे धनावेश आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन है HCl का वो यहाँ जाके जुड़ता है, और फिर बाद में इसका एक क्लोरीन निकल के यहाँ पे चले जाता है, ठीक है। तो HCl फिर से बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, सेम अभिक्रिया यहाँ भी होगी। अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन फिनॉल से, ठीक है। बहुत आसान है कि जब फिनॉल पर क्या करेंगे, PCl5 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे PCl3 की अभिक्रिया यहाँ पे हम संपन्न नहीं कराते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लें क्या, फिनॉल ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा हमको, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे POCl3 और HCl हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत आसान है, ये बताया था मैंने कि ये PCl3 और Cl2 में टूटा रहता है, ठीक है। Cl2 में टूटा रहता है ये PCl5, ठीक है। दो Cl इस प्रकार मुक्त होते हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ से जाके जोड़ के बनाता है क्या, HCl, ठीक है। ये HCl बन गया, ठीक है। जैसे HCl बन जाता है, यहाँ का ये ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, जो क्या करता है इस PCl3 के साथ जोड़ के क्या बना लेगा, यहाँ पे POCl3, ठीक है। और जो बचा वाला इसका जो क्लोरीन है वो इस बेंजीन के साथ फाइनली जुड़ जाता है और क्या बनाता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ये अभिक्रिया अपन ने पहले भी पढ़े थे उंचडी का, ठीक है। ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इससे दोनों टाइप की अभिक्रिया होती हैं। तो क्या कर रहे थे अपन ने, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है एरोमेटिक वाला लेना है, तो यहाँ पे हम सिल्वर बेंजोएट ले लेंगे, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर है, ये क्या है, सिल्वर बेंजोएट। जब यहाँ पे हम सिल्वर बेंजोएट ले लेंगे, इसकी अभिक्रिया किससे कराए थे अपन ने, ब्रोमीन से या क्लोरीन से, ठीक है। हम ब्रोमीन या क्लोरीन से करा देंगे, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या लेना था, वही कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलायक के रूप में लेना था, और 340 केल्विन ताप लेना था, ठीक है। सेम अभिक्रिया यहाँ पे दो बीआर हैं, एक बीआर क्या टूटेगा और इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, ये CA2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई बाहर। अब जो बचा वाला यहाँ पे ब्रोमीन है एक, वो इसके साथ जुड़ जाता है और ब्रोमो बेंजीन बना लेता है, ठीक है। यहाँ का एक ब्रोमीन बच जाता है जो ब्रोमो बेंजीन बनाने के काम में आता है। ठीक है, अगली विधि है रेसिप्रोक्रम, बहुत IMP है कि इस विधि, लेकिन याद रखना है इस विधि द्वारा व्यापारिक स्तर पर क्या बनाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोरो बेंजीन बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेंजीन की वाष्प लेंगे, ये ले लिया हमने बेंजीन की वाष्प। फिर यहाँ पे हम वायु लेते हैं, तो हमने यहाँ पे वायु ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, HCl गैस भी लेते हैं, ये HCl गैस भी ले लिए। ये सब लेते हैं, इस मिश्रण को क्या करते हैं, 503 केल्विन ताप और कापर क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में क्या करेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इनको सब की अभिक्रिया कराई जाएगी, तो यहाँ पे लिखा है कि क्लोरोबेंजीन बनता है, तो यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन बना देंगे कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे ये H2O बन जाएगा, देखिए कैसे यहाँ का जो Cl- है, ठीक है, वो इस बेंजीन को जोड़ने के लिए अप्रोच करता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, ये सब मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो Cl बचा है, ये Cl जाके जुड़ता है फाइनली यहाँ पर, तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन और H2O।